नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। लगातार चुनावों की बात हो रही है कि किस तरीके से जो है सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार है जो इस धरातल पर उतारेंगी, किस तरीके से रणनीति चल रही है, क्या कुछ करना चाह रही हैं अलग अलग पार्टियां। तो इसी के तहत अभी हम बात करने पहुंचे हैं जन सेवक क्रांति पार्टी के सह संस्थापक व मेयर पद के प्रत्याशी जन सेवक क्रांति पार्टी से विक्रांत मक्कर जी से। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या रणनीति लेकर चल रहे हैं, क्या कुछ करना चाह रहे हैं अपने गुरुग्राम के लिए। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मेयर पद के प्रत्याशी के रूप में आप उतर रहे हैं गुरुग्राम में, तो गुरुग्राम बहुत वाइड एरिया है और एक ऐसा व्यक्ति उसके लिए चाहिए जो सब चीजों को संभाल सके, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या फिर नगर निगम में जो भ्रष्टाचार है उसको रोकने की बात करें। किस तरीके की रणनीति तैयार की है आपने? देखिए, सवाल आपका अच्छा है, मैं इसको बहुत संक्षेप में कहना चाहूंगा। मैं मानता हूँ एरिया बहुत बड़ा है, एरिया इन टर्म्स अगर हम बात करें एंड टू एंड डिस्टेंस की तो बहुत बड़ा है। अब गुड़गांव की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आज लोगों को ना प्रशासन पे विश्वास नहीं है जी। तो जो सबसे पहला काम होगा वो विश्वास दिलाना होगा, क्योंकि अगर विश्वास ही नहीं होगा, यकीन ही नहीं होगा अपने प्रशासन पे, तो लोग कुछ काम करा ही नहीं पाएंगे जी। तो वो यकीन दिलाना हमारा सबसे पहला काम होगा। तो अभी हाल ही में जनसेवक क्रांति पार्टी चरखी दादरी में भी गई थी, तो क्या लगा आपको वहां पर जाकर कि गुरुग्राम की समस्याएं और वहां की समस्याएं अलग अलग है या सब सेम चल रहा है? देखिए, मूल रूप से बात करें तो लोग मूलभूत सुविधाओं से तो ग्रस्त है ही जी। हम चरखी दादरी में बागेश्वरी गांव में जब गए तो वहां हमने जाकर के ये जाना लोग पीड़ित हैं व्यवस्था से जी। वहां पर तो देखो, गुड़गांव की अगर बात करें और एक गांव की बात करें तो जमीन आसमान का अंतर है। एक गांव शब्द को मनाता है गुड़गांव में जी। लेकिन वहां पर तो कोई अच्छा स्कूल ही नहीं है, छत ही नहीं है स्कूल में कि बच्चे बैठ करके क्लासरूम में पढ़ाई कर सके, कोई ऐसा चिकित्सालय ही नहीं है जहां पे इंजेक्शन लगाने की सुविधा भी हो जी। तो वहां के लोग बहुत ग्रस्त है व्यवस्थाओं से, तो उनको ये बात समझ में आती है कि राजनेता आते तो थे वोट मांगने के लिए, लेकिन कोई आया है सेवक बन के, तो हमें भी व्यवस्था से अगर हम पीड़ित हैं, बजाय कि पीड़ित रहने के हम हिस्सा ही बन जाए जी। जैसा हमारे अध्यक्ष साहब ने आपको बताया है कि 80 से ज्यादा लोगों ने, चाहे बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं, सभी साथियों ने जनसेवक क्रांति पार्टी ज्वाइन की है जी। और आगे ये जनसमूह बढ़ता चलता जाएगा। और अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी आती है, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा चरम सीमा पर है यहाँ पर। और दूसरी बात करें, गुरुग्राम कमाऊ कूद के रूप में जाना जाता है, बट सारा जो धन है बांटा जाता है गुरुग्राम के हिस्से में कम आता है, इस चीज को आप कैसे लेते हैं? देखिए, मैं बार बार बताता हूँ, लुटाऊ कूद की है गुरुग्राम। अगर हम लुटाऊ कूद की बात करते हैं तो धन राशि जो है बिना बजट की चीजों में भी लुटाई जाती है, तो ये बहुत जरूरी है अच्छी नीति के साथ, अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम हो। और जो नीतियां बनाई गई है, जो बजट बनाया जाता है मार्च में हर फाइनेंशियल ईयर के लिए, जैसे कि हो सकता है इस मार्च एंड में भी आप देखें, बट मेरे को डाउट है इस मार्च एंड में ये फाइनेंशियल ईयर में बजट देंगे, क्योंकि सारे आउटगोइंग अब पार्षद हैं, तो देखते हैं ये किस तरीके से इस चीज को डिफाइन करते हैं। बट मेरे हिसाब से चीज ऐसा होना चाहिए कि जो आप बजट डिफाइन करते हैं पूरा साल उस पे काम करें। अगर आप उस पे काम नहीं करते तो आपकी पॉलिसीज तो वैसे भी राइट लेफ्ट हो ही जाएंगी और आप इधर उधर चीजों में पैसे लगाएंगे तो वो लूटपाट रहेगी। और अगर जनता मौका देती है और आप मेयर बने गुरुग्राम के, तो बड़ी बात यह भी है कि आपके ऊपर प्रेशर भी बिल्डअप रहेगा कहीं ना कहीं, अदर पार्टियों की बात करें या फिर सीएम साहब की बात करें या फिर किसी भी ऐसे राजनेता की बात करें जो बड़े लेवल पर भी हो सकते हैं, कि कहीं ना कहीं आपको एक डम्मी कैंडिडेट के रूप में बनाया जाए, तो उस चीज को आप कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, मैं बहुत सिंपल आंसर देना चाहूंगा इस बात का, जैसा कि हमारी पार्टी की विचारधारा भी है, हम सही को सही गलत को गलत कहते हैं, तो प्रेशर लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से काम करेंगे, सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं तो जो सामाजिक समानता और न्याय के अंतर्गत चीजें आती हैं उसी को लेते हुए और सही को सही कहते हुए, गलत को गलत कहते हुए जो काम होना चाहिए उसी के ऊपर जाएंगे। विक्रांत जी, कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी और जेजेपी जो है गठबंधन में जो है चुनाव लड़ेंगे, तो क्या जेएसकेपी भी किसी के साथ गठबंधन कर सकती है? देखिए, गठबंधन में सबसे पहले ना मैं कहता हूँ कि एक एग्रीमेंट होता है जी। उनका कोई एग्रीमेंट मुझे तो नजर आ नहीं रहा है जी। आज दोनों ही 40-40 सीटों पर लड़ना चाह रहे हैं, अगर 40 वार्ड को मैं मान के चलूं संभावित जो भी है जी। जहां तक रही जनसेवक क्रांति पार्टी की बात, जनसेवक क्रांति पार्टी अभी किसी से कोई गठबंधन नहीं करने वाली है, अपनी विचारधारा पे चुनाव लड़ेगी। हाँ, दूसरी पार्टियां भी अगर चाहें जनसेवक क्रांति पार्टी से बात करना तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो जनसेवक क्रांति पार्टी को आज इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रही है। लेकिन जब जनता जनसेवक क्रांति पार्टी को सबके सामने ले आएगी और इंपॉर्टेंस दे देगी तो सबको बात समझ में आ जाएगी। घर घर दस्तक अभियान चलाया जा रहा है आपके द्वारा, तो किस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है आपको? लग रहा है कि अब जो है जनसेवक क्रांति पार्टी उभरेगी इन चुनावों में? देखिए, जनता का जो विश्वास है वो नजर आ रहा है,
कितना किसने विकास किया है पिछले 5 साल 10 साल में वो नजर आ रहा है। वो नजर इस तरीके से आ रहा है जब हम हर घर दस्तक अभियान में चल रहे हैं जी। करीब करीब 80 किलोमीटर पदयात्रा हमारे कार्यकर्ता कर चुके हैं ग्राउंड लेवल पे जी। और मोर देन 6,000 घर या दुकानें हम छू चुके हैं, यानी कि आप कह सकते हो मोर देन 20,000 वोटर हम डायरेक्ट कन्विंस करने की, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने समाधान पत्र से जी। तो ये हमारी कोशिश है और ये हम जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ विक्रांत मक्कड़ जो कि सह संस्थापक व मेयर पद के प्रत्याशी है जनसेवक क्रांति पार्टी से। अभी तो आने वाला समय बताएगा कि क्या रणनीति इनकी रहने वाली है और सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात करें किस तरीके से वो इनके ऊपर हावी होने का प्रयास करेंगे या आगे की रणनीतियां इनकी क्या होंगी। चुनावी दंगल के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।